Good morning, student. I am Kajal Rajput, an assistant professor from Bharti Group of College Durban. Today's our topic is organization structure. पहले भी वीडियो में हमने organization structure पढ़ चुका है कि कैसे से यह संगठन का निर्माण होता है, कैसे उसका प्रारूप होता है, जिसके through एक organization बनता है, वहाँ कितने लोग काम करते हैं, उसमें departmentation होता है, ये सब पढ़े हैं और कुछ points और भी बचे हुए थे इसके suggestion of our organization structure के हमने इसके factors से किए थे meaning definition. अब हम आप सजेशन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कैसे क्या सुझाव है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो फर्स्ट क्या डिपार्टमेंटेशन प्रोविजन फॉर गुड मैनेजमेंट डिटरमिनेशन ऑफ ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटेटिंग यूनिट्स स्ट्रक्चर अरेंजमेंट. तो फर्स्ट क्या डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन होना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट होगा तभी क्या है वो सब तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हमको अपना काम कराने में बहुत इजी होता है. अगर डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो हम काम नहीं होते. जैसे हमने लीडरशिप पढ़ा, तो लीडर होना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है, वैसे ही डिपार्टमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारा काम फास्ट हो सकता है. अगर डिपार्टमेंट में बटे होंगे, हर लोग का काम अलग अलग रहेगा, तो वो काम हमको अच्छे से कर कर देंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि डिपार्टमेंटेशन होना बहुत जरूरी है. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में और ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी आप जाएं या शॉपिंग मॉल भी जाएं, तो हर कोई का डिपार्टमेंट अलग होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि वहीं पर कपड़े का और वहीं पर खाने का सामान एक साथ नहीं रहता है, सब चीज का डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड रहता है. वैसे केस काउंटर अलग रहता है, रिटर्न के लिए अलग काउंटर बना दिया जाता है बड़े बड़े शॉप्स में. तो ये क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाला जो भी कस्टमर है, जो भी ग्राहक है, उसको बहुत ही इजी वे में वो काम को अपना कर सके और फास्टली वो काम हो सके. तो ये है हमारा डिपार्टमेंटेशन. फिर हमारा प्रोविजन फॉर गुड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट भी होना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में. अगर मैनेजमेंट सही है तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है, उसका उत्तम प्रभाव पड़ता है प्रबंध का कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित. एक क्या होता है, व्यक्ति होने के कारण यह संगठन संरचना करने में उच्च प्रबंध व्यवस्था की आवश्यकता होती है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ एक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट है तो वहाँ काम भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा. अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो नहीं होगा. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट, बड़ा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, जो सामने वाले को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, तभी वो काम को करता है. अगर विदाउट मैनेजमेंट हम डायरेक्शन भी कुछ अपने मन से काम नहीं कर सकते. तो मैनेजमेंट को स्ट्रांग और गुड और कैपेबल होना बहुत जरूरी है. अगर मैनेजमेंट सही है तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगा और जो भी गोल है उसके एम से वो अचीव करेगा और ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा उसे अर्न होगा. अगर वही टीम में वही जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो ढीला ढाला काम कर रहा है तो क्या होगा इससे कि वो वहाँ के वर्कर्स भी वैसे ही काम करेंगे. जहाँ स्ट्रांग मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, वहाँ के वर्कर्स भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रहते हैं, जिससे कि काम अच्छे से होते हैं. फिर हमारा डिटरमिनेशन ऑफ ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी बहुत जरूरी है कि हर डिपार्टमेंट में हर कोई को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से हो. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो सामने वाला काम नहीं करेगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में. फिर फैसिलिटेटिंग यूनिट्स. फैसिलिटीज होना भी बहुत जरूरी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो इससे बस नहीं होता है. एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड कर दिया आप लोगों ने, इससे बस नहीं होता है. तो वहाँ क्या है, फैसिलिटी भी हमको प्रोवाइड करना चाहिए. वॉशरूम और आपका पानी, बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और वाटर वगैरह सप्लाई, ये भी प्रॉपरली होना चाहिए. तो ये भी सुझाव एक ऑर्गेनाइजेशन से सजेशन है कि ये सब चीज वहाँ होना चाहिए. फिर क्या स्ट्रक्चर अरेंजमेंट वही, एक स्ट्रक्चर में उसको बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को. तो ये नहीं कि एक कोने में आपका कुछ और है, एक कोने में कुछ और है, ऐसा नहीं. वो स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहिए कि मतलब पूरे वो अच्छे से परफॉर्म करें. ये नहीं कि कुछ
कहीं पर है और कुछ कहीं पर है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि सामने वाले को भी अच्छे से जो भी है वो पहुंच सके। अगर नहीं होगा तो वो नहीं पहुंचेगा। तो क्या है स्ट्रक्चर, क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, मतलब स्ट्रक्चर पे ही तो डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है तो सामने वाला भी क्या होगा उसमें इम्प्रेस्ड होगा और वहां आने की कोशिश करेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो भी कंज्यूमर उसकी बढ़ेंगे डिमांड के हिसाब से। तो ये क्या है हमारा सजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो सबसे पहले हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि जो काम लाइन से चल रहा है कि सबके अंडर में कोई ना कोई रहता है। सपोज डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंडर में टीचर, टीचर के अंदर में प्यून स्टाफ, ये सब जो वर्कर्स रहते हैं छोटे मोटे ये सब। तो हर एक लाइन रहता है, जो लाइन वाइज काम होता है वो बहुत ही परफेक्टली होता है। अगर विदाउट लाइन ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से नहीं होगा। तो सबसे पहले है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन? इज अ सिंपलेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द होल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है, सिंपल सा ढांचा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस द वर्टिकल फ्लो ऑफ द रिलेशनशिप। सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सबका काम एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है, कोई अकेला काम नहीं करता है इसमें। फिर एक है इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अथॉरिटी है, वहां टॉप से बॉटम तक उसका काम चलता है। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी जाएंगे कलेक्टर, कलेक्टर के अंदर बहुत सारे अधिकारियां होते हैं, अधिकारी के अंदर फिर और रहते हैं कैश काउंटर में अलग अलग। तो ये क्या है, सब डिपार्टमेंट अलग है। तो टॉप से बॉटम होता है, हर कोई का जो टॉप है वो उन लोग को काम देता जाता है, वो लोग काम करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अकेला कोई बंदा, अकेला कोई मैनेजमेंट में अकेला कोई काम नहीं कर सकता, एक ही बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो क्या है, सब एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं और वो हमारा टॉप टू बॉटम चलता है। तो ये क्या है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका वर्टिकल रिलेशनशिप है, सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, सबका काम एक दूसरे पर निर्भर है। तो उसको लाइन में जो चला आता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा टाइप्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ टाइप्स है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्योर और डिपार्टमेंटल। प्योर और लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सब लोग का काम एक जैसा रहता है बट उसको बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। तो यही है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखा होगा देखो जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर किसको बोलेगा, सेल्स मैनेजर को, जो सेल करता है प्रोडक्ट को। फिर वो सेल्स मैनेजर के अंडर में कौन रहेंगे, असिस्टेंट सेल मैनेजर। तो असिस्टेंट जो सेल मैनेजर होते हैं वो एक ही रहता, आप लोगों ने देखा होगा कोई शॉप है तो शॉप पे एक मैनेजर है, तो मैनेजर के अंदर में एक सेल्स मैनेजर है जो पूरा देखरेख करता है सामान कितना है क्या है ये। तो सेल्स मैनेजर के अंडर में ये जनरल मैनेजर और सेल्स मैनेजर के अंडर में तीन और रहते हैं, असिस्टेंट सेल मैनेजर, असिस्टेंट सेल मैनेजर टू, असिस्टेंट सेल मैनेजर तीन। तो सबके असिस्टेंट होते हैं, एक ही बंदा तो सब काम नहीं कर सकता, तो इसमें और रहते हैं तीन बंदे और रहते हैं जो उसके असिस्टेंट रहते हैं। फिर असिस्टेंट के अंदर में और रहते हैं जो सेल्स पीपल रहते हैं, हर असिस्टेंट के अंदर एक सेल्स पीपल रहेगा। हर प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के एक एक असिस्टेंट है और असिस्टेंट के अंदर में और एक सेल्स पीपल है जो सामान को बाहर ले जाने जाकर बेचते हैं। तो देखो आप लोग सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। तो ये क्या है हमारा प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो हर कोई एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है और हर कोई का काम एक ही काम है बट उसको बहुत सारे लोग मिलकर अलग अलग अंडर में करके उस काम को करते हैं, जिससे क्या उनका अपना जो भी गोल है वो अचीव होता है। फिर हमारा है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा
डिपार्टमेंटेशन जो मैंने पहले अभी भी आपको बहुत सारे उसमें बता चुके हैं कि डिपार्टमेंटेशन की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बांट दिया जाता है, जहां अधिकारियों से लेकर लोअर श्रमिकों तक भी उनका काम होता है। मतलब जो अधिकारी से लेकर उसके दायित्व तक जो काम है वो सब इसमें आते हैं, हमारे डिपार्टमेंटेशन में आते हैं, जिनका हर डिपार्टमेंटेशन लाइन भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है कि हर चीज का डिपार्टमेंटेशन देना, हर कोई को रिकॉग्नाइज करना, हर कोई को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बताना। फिर क्या है उसके बाद हम आते हैं कुछ इसके मेरिट्स हैं, मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मेरिट्स हैं, इसके अच्छाई क्या क्या है, इजी केयरली फुल डिसिप्लिन क्विक डिसीजन कोऑर्डिनेशन और एडिक्वेट एडिक्वेट इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट क्या है इजी, ये क्या है बहुत इजी होता है, तो हमारा काम डिवाइड हो गया बहुत सारे लोगों में, तो ये क्या हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। अगर वही चीज हमारा डिवाइड नहीं है बहुत सारे लोगों में काम, तो एक के ऊपर बहुत बर्डन हो सकता है, वो काम भी अच्छे से नहीं होगा। तो ये क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी वे है, जो क्या है बहुत इजी तरीके से स्पष्ट सरलता से हम वो काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर सरलता ही नहीं रहेगी, अगर एक ही काम एक ही के ऊपर पूरा बर्डन आ जाएगा, तो काम बहुत क्या है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी के लिए। फिर क्या है क्लियरली, क्लियरली वो भी स्पष्ट रहता है कि हर कोई को अपना काम पता है, हर कोई को अपना काम पता है कि वो कैसे काम करना है, स्पष्टीकरण रहता है, हर लोग को अपना अपना काम पता रहता है, इसमें हर कोई को डिफाइन नहीं करना पड़ता कि तुमको ये काम करना है तुमको ये काम करना है। तो कॉलेज में प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को बता दिया कि वाइस प्रिंसिपल ने सब स्कूल्स में, तो वो टीचर्स को बता दी कि आपको ये पढ़ाना आपको ये पढ़ाना आपको ये पढ़ाना, तो टीचर्स को कन्फर्म है, उन लोगों को सब पता है कि हमको ये करना है ये करना है ये करना है। तो क्या है कि इससे क्या होता है कि वो सबका काम डिवाइड हो जाता है, तो क्या होता है वो क्लियरली रहता है, मतलब क्लियरली रहता है, किसी को बार बार वो करना फोर्स करना कि नहीं आपको ये करना, इसमें कोई वो नहीं है, सबका काम निर्धारित रहता है और सबको अपना काम करना होता है। फिर क्या है फुल डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन रहता है कि डिसिप्लिनली वो काम होता है, और जहाँ डिसिप्लिन है वही काम अच्छा होता है। फिर क्या है क्विक डिसीजन, जल्दी डिसीजन लेने का पावर इसमें बहुत ज्यादा रहता है कि हम बहुत जल्दी ही कोई भी चीज के पीछे हम डिसीजन ले सकते हैं। फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन, सब लोग के मिलजुल कर इसको काम करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोग इसको मिलजुल कर काम करते हैं। फिर है इसका एडिक्वेट इलास्टिसिटी, वही इलास्टिसिटी जो हमारा बढ़ता घटता रहता है, कभी डिमांड ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो एडिक्वेट इलास्टिसिटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसएडवांटेज और हमें इनके और लाइन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तो आज हम लोगों ने क्या देखा, सजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लाइन ऑर्गेनाइजेशन और उसके कुछ टाइप्स, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स। ओके थैंक यू।